हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्पेशल फॉर्म ऑफ ब्रिक के बारे में, जैसे कि क्यून क्लोजर, बेवल्ड क्लोजर, मिडल क्लोजर, सिक्वेंट ब्रिक या फिर बुल नोज ब्रिक के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कंपटीशन में जितने भी हम एग्ज़ाम देते हैं उनमें इस ब्रिक के डेफिनेशंस को लेकर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर इन स्पेशल टाइप ब्रिक के यूजेस पूछ ले जाते हैं, कहाँ कहाँ ये ब्रिक यूज की जाती हैं। तो आज की क्लास में हम बात यही करेंगे कि इन ब्रिक की डेफिनेशंस कैसी होती हैं और ये ब्रिक बनाई कैसे जाती हैं। मैंने अभी यहाँ पर जो भी डायग्राम बना रखे हैं, सिंपल ब्रिक बना रखी है, अब आपको मैं दिखाऊंगा इसमें कि इन ब्रिक को किस तरीके से बनाया जाता है, इन ब्रिक को बनाने के लिए किस तरीके से हम इसको फॉर्म करते हैं। तो देखिए, अलग अलग जितनी भी यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं तो वो सभी इंग्लिश में लिखी हुई हैं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं उनको मैं साथ के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन इंग्लिश का हिंदी में मतलब क्या है, तो वो साथ के साथ नोट्स बनाते जाएंगे और वीडियो को विदाउट स्किप करें पूरा देखें। आपकी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो किंग क्लोजर सबसे पहले हेडिंग डली हुई है, किंग क्लोजर। तो देखिए जानते हैं किंग क्लोजर क्या चीज़ है। तो किंग क्लोजर का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी ईंट जिसको अगर हम चौड़ाई में, देखिए हमारा क्या है, ये विड्थ है, जिसे हम हेडर फेस कहते हैं। ये हमारा क्या है, हेडर फेस, ये हेडर फेस है, यानी ऐसा फेस है जिसको हम हेडर के नाम से जानते हैं, और ये हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेचर फेस। ये हमारा स्ट्रेचर फेस है। तो स्ट्रेचर फेस और हेडर फेस में अगर हम क्या करें, जो इसकी चौड़ाई है, हेडर फेस क्या है, इसकी चौड़ाई है, विड्थ है। तो अगर इसे चौड़ाई का मिडिल पॉइंट लें, यहाँ पर हमने मिडिल पॉइंट लिया और इस मिडिल पॉइंट का, यानी चौड़ाई में आधा पॉइंट लिया, और उसकी जो स्ट्रेचर फेस है उसमें हम क्या करें, हाफ, यानी इसकी जो लंबाई है उसका हाफ पोर्शन लें, और इन दोनों पोर्शन को अगर मिला दिया जाए तो इस तरीके से हम देखेंगे, अगर इन पॉइंट्स को, इन पोर्शन को हम मिला दें और इस ब्रिक को आगे का जो इसका हिस्सा है वो हम क्या कर दें, काट दें, यानी ये वाला हिस्सा हमने क्या कर दिया, काट दिया। तो अब आप देखें, काटने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो अब आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा होगा, मैंने क्या बनाया, यही चीज़ मैंने यहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में लिखी हुई है कि अगर हम विड्थ में हाफ पॉइंट और अगर उसकी लेंथ में स्ट्रेचर साइड में, स्ट्रेचर जो हमारा फेस है उसके साइड में हाफ पॉइंट और हेडर साइड में हाफ पॉइंट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो उसकी चौड़ाई है उसका हाफ पॉइंट और उसकी जो लेंथ है ब्रिक की उसका हाफ पॉइंट लेकर हम दोनों को ट्रायंगुलर पोर्शन, तिरछा, यानी ऑब्लिक प्लेन में अगर उसे हम काट दें, तिरछे प्लेन में अगर उसे हम काट दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, बनने वाली जो ब्रिक है वो हमारी ब्रिक क्या कहलाएगी, किंग क्लोजर कहलाएगी। तो देखिए, अब यहां पर मैं डेफिनेशंस क्या लिखी हुई है, विड्थ ऑफ वन एंड बिकम्स हाफ, यानी कि पहले एक एंड की, ये हमारा विड्थ का दूसरा एंड है, ये हमारा एक एंड है, विड्थ ऑफ वन एंड बिकम्स हाफ, यानी कि पहले एक एंड की विड्थ की, या तो ये वाला एंड या फिर ये वाला एंड, उसकी जो चौड़ाई है आधी हो जाए, तो विड्थ ऑफ वन एंड बिकम्स हाफ, यानी चौड़ाई उसकी कैसी हो जाए, हाफ हो जाए, एंड लेंथ ऑफ वन एंड बिकम्स हाफ, और उसकी लंबाई भी एक एंड पर आधी हो जाए। अब बार बार मैं वन एंड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए लेंथ का एक एंड ये भी है, लेंथ का एक एंड ये भी है, विड्थ का एक एंड ये भी है, विड्थ का एक एंड ये भी है, तो हमें क्या करना है, विड्थ का किसी भी एक सिरे को आधा काटना है और लेंथ के एक सिरे को आधा काटना है, और हमें इस तरह से हम तिरछा ऑब्लिक प्लेन में इसको हम जब काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक पोर्शन मिल जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, ईंट का बचा हुआ पोर्शन को हम क्या कहेंगे, किंग क्लोजर के नाम से जानते हैं। तो आगे और पढ़ते हैं, विड्थ ऑफ वन एंड बिकम्स हाफ, समझ में आ गया, लेंथ ऑफ वन एंड बिकम्स हाफ, ये भी हमारा हो गया। आगे ओनली एट वन ईच सरफेस, यानी हमें ये जो काटिंग करनी है वो किसी भी एक सरफेस पे करनी है, यानी चौड़ाई में भी किसी एक सरफेस पे करनी है और लेंथ में भी किसी एक सरफेस पे करनी है। तो जो हमारा पोर्शन बचा, ये वाला जो पोर्शन हमारा बचा हुआ है ईंट का, ये पूरा पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, किंग क्लोजर कहलाता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग एक डेफिनेशन देता है, उसकी और भी कोई दूसरी डेफिनेशन हो सकती है। जैसे कि देखें, इट इज ऑब्टेन्ड, यानी इसको प्राप्त किया जा सकता है कैसे, बाय कट ए ट्रायंगुलर पोर्शन, यानी हम एक ट्रायंगुलर पोर्शन, अब देखें जरा, जो हिस्सा हमने ईंट का काट दिया वो कैसा है हमारा, एक तिरछा, एक तिकोना हिस्सा है, कैसा है, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसी में ब्रिक में एग्जांपल देके दिखाऊं, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन हमने काट दिया इसका, ये कैसा पोर्शन हमारा, ट्रायंगुलर पोर्शन है, यानी यदि किसी ईंट का एक कॉर्नर ट्रायंगुलर पोर्शन पूरा काट दिया जाए तो इट इज ऑब्टेंड, ये प्राप्त किया जा सकता है बाय ए कट ट्रायंगुलर पोर्शन बिटवीन द सेंटर ऑफ साइड
विड्थ, यानी विड्थ के सेंटर में, यानी हम एक ट्रायंगुलर पोर्शन काट दें कैसे, एक विड्थ के सेंटर में और एक उसकी लेंथ के सेंटर में, अगर आप ट्रायंगुलर पोर्शन को काट दिया जाए एक तरफ का, तो उसके काटने के बाद जो हमारा पोर्शन बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, किंग क्लोजर कहते हैं। तो देखिए, इट इज ऑब्टेंड बाय कट ए ट्रायंगुलर पोर्शन, एक त्रिभुजाकार हिस्सा ईंट का काट दिया जाए, कैसे, सेंटर ऑफ वन साइड, यानी एक साइड का, यानी विड्थ साइड में एक सेंटर लें और लेंथ साइड में एक सेंटर लें, और सेंटर लेने के बाद में काटने के बाद जो हमारा पोर्शन बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, किंग क्लोजर उसे हम कहते हैं। दूसरा, इसके तीसरी डेफिनेशन और हमारी क्या है, तीसरी है ब्रिक कट हाफ हेडर, यानी ब्रिक का एक, ये हमारा हेडर है, ये स्ट्रक्चर पार्ट है, हाफ हेडर को काट दें और हाफ स्ट्रक्चर, यानी हाफ स्ट्रक्चर का पॉइंट हाफ ले लें, तो उससे काटने के बाद जो कटिंग के बाद जो हमारा पोर्शन बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, किंग क्लोजर कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप की फॉर्म से, अलग अलग फॉर्म से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो जितने स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है या हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो वो लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में लगभग बोलता हूँ, तो आप उसमें हिंदी में लिख लिया करें, साथ साथ नोट्स बनाएं, तो आपको तुरंत समझ में आ भी जाएगा। अगला हमारा है कि यूज क्या है इसका, इसका यूज है तिरछे जैम बनाने के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जैम क्या होता है, तो देखिए, ये हमारी कोई दीवार लगी हुई है, टॉप व्यू बना रहा हूँ मैं, दीवार लगी हुई है, यहाँ पर हमने एक दरवाजा लगा रखा है और यहाँ पर भी हमारी एक दीवार है ऐसे, तो दीवार हमारी एक यहाँ पर लगी हुई है, हम टॉप व्यू बना रहे हैं, दरवाजा हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ये हमारा डोर, तो उस डोर में और ये वॉल हमारी बाहर की साइड की वॉल है, हम ये हमारा आउट है, ये हमारा घर के अंदर का पोर्शन है। तो अगर हम इस वाले हिस्से में देखें, यहाँ पर हम तिरछे, यहाँ पर जो इस ईंट का यानी किंग क्लोजर का यूज क्या करते हैं, तिरछे जैम बनाने के लिए। तो जैम किसे कहते हैं, इस हिस्से को कहते हैं। तो जैम आउटर, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, जैम। तो तिरछे जैम बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किंग क्लोजर यूज करते हैं। अगला हमारा है बेवल्ड ब्रिक। इस ब्रिक में क्या है, देखिए यहां पर मैंने जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहां पर मैं हिंदी में ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो यह एक किंग क्लोजर की फॉर्म है, यानी एक तरीके का किंग क्लोजर ही है ये, जिसमें स्ट्रेचर फेस को इस प्रकार तिरछा काटा जाता है, यानी हमें स्ट्रेचर फेस को काटना है। कौन सी फेस है, ये वाली फेस, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेचर फेस, और इसे क्या कहेंगे हम, हेडर फेस। तो स्ट्रेचर फेस को इस प्रकार तिरछा काटना है कि विड्थ एक एंड पर हाफ हो जाए, एक एंड पर तो विड्थ हाफ करनी है, चलो हमने हाफ विड्थ कर ली इसकी, ये लाइन मिला दी हमने, एक एंड पर हमने हाफ विड्थ कर ली, और कह रहा दूसरे एंड पर फुल विड्थ रहे, यानी दूसरे एंड पर हमारी फुल विड्थ रहनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से हमने इसको काट देना है, ऐसे देखें। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने किस तरीके से काट दिया इसको, यहाँ से ऐसे काट दिया ऐसे, यानी तिरछा पोर्शन मैंने जो काटा है। अब देखिए, इसको मैं यहाँ पर डॉटेड कर देता हूँ, इसको भी मैंने डॉटेड कर दिया, यहाँ पर मैंने सारा डॉटेड कर दिया। अब हमारी जो ईंट बची है वो कौन सी बची है, ये वाली। तो ये वाला जो हमारा पूरा पोर्शन यहाँ पर बचा हुआ है, अब आप देखें क्या किया मैंने, चौड़ाई में मैंने आधा पॉइंट लिया और एक सिरे पर आधी चौड़ाई, दूसरे सिरे पर पूरी चौड़ाई रखनी थी, और मुझे पूरा स्ट्रक्चर काटना था, तो हमने बनने वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है हमारा, बनने वाली जो ईंट बचा हुआ पार्ट है उसे क्या कहते हैं हम, बेवल्ड क्लोजर कहते हैं। तो यह एक किंग क्लोजर की फॉर्म है, जिसमें स्ट्रेचर फेस को इस प्रकार तिरछा काटना है, यानी बेवल्ड फॉर्म में काटना है, तिरछा काटना है, ऑब्लिक फॉर्म में काटना है, यानी ऑब्लिक प्लेन से काटना है, कि जिसमें विड्थ एक एंड पर हाफ हो जाए, एक एंड पर हाफ विड्थ हो गई, दूसरे एंड पर हमारी फुल विड्थ है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं, बेवल्ड क्लोजर कहते हैं। इट इज ए फॉर्म ऑफ किंग क्लोजर इन विच होल लेंथ ऑफ ब्रिक स्ट्रेचर फेस इज बेवल्ड, यानी पूरे स्ट्रेचर में एक फेस हमारी बेवल्ड रहेगी, इन सच ए वे, यानी इस प्रकार, दैट हाफ विड्थ इज मेंटेन, यानी इस प्रकार हमें काटना है कि हाफ विड्थ एक सिरे पर मेंटेन करनी है, जबकि दूसरे सिरे पर हमें फुल विड्थ मेंटेन करनी है। इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज हम इसी प्रकार के जैम टाइप में, ऐसे तिरछे स्ट्रक्चर जहां हमें ज्यादा चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर हम बेवल्ड क्लोजर का यूज करते हैं। अगला हमारा है बुलनोज ब्रिक। अब इसको दोनों को समझते हैं भी, अब समझते हैं पहले बुलनोज ब्रिक। बुलनोज ब्रिक क्या है, देखिए, जैसे हमारी सांडवारा की नाक होती है, इस टाइप की हमारी एक ब्रिक होती है जिसे हम कहते हैं बुलनोज ब्रिक। तो इसका कैसे बनाते हैं इसको, ए ब्रिक मोल्डेड विद राउंडेड एज, यानी एक ऐसी ईंट है ये, जिसमें हमें क्या करना है, एक सिरा इसका कैसा करना, राउंडेड एज बनानी, यानी कि गोलाकार सतह बनानी। तो देखिए कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, हमने यहां पर इसको राउंडेड बनाते हुए चले गए, ऐसे इस तरीके से बनाते हुए चले गए, और इस पोर्शन को हमने यहां से हटा दिया, ऐसे यहां पर बनाते हुए चले गए, और इसी प्रकार हमने इस वाले एंड पर भी वही प्रक्रिया अपनाई जो हमने यहां पर राउंडेड की बनाई है, ऐसे। तो देखें आप जरा, अब आप देख रहे हैं ये पूरा सिरा हमारा कैसा हो गया, राउंडेड एज का बन गया। तो अब आप इधर से देखें ईंट हमारी किस प्रकार की दिखाई दे रही है, एक इस तरीके से हमें कर्वेचर राउंडेड कॉर्नर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी ईंट जिसको हम राउंडेड, इसको इस प्रकार मोल्ड किया जाए
कि जिसकी एक एज कैसी हो जाए, राउंडेड हो जाए, तो उसे हम कहते हैं बुलनोज ब्रिक। कहाँ यूज़ करते हैं, जितने भी राउंड कॉर्नर्स वाले, जैसे हम दीवार वगैरह पर बैठते हैं, जैसे कुएं की दीवार है, वेल वगैरह में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुएं की दीवार वगैरह पर अगर हम पुराने ज़माने की याद करें तो कुएं की जो दीवार होती थी उनके जो कॉर्नर्स होते थे बड़ा स्मूथ होते थे, तो वहाँ पर हम कौन सी यूज़ करते थे, बुलनोज ब्रिक यूज़ करते थे। आर्च वगैरह में यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसे सभी स्ट्रक्चर जहाँ पर हमें एक राउंडेड एज की ज़रूरत है, एक राउंड फॉर्म की ज़रूरत है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, बुलनोज ब्रिक यूज़ करते हैं। अगला हमारा है आर्च सिल, सिल वगैरह बनाते हैं वहां पर यूज करते हैं, कैपिंग वॉल वगैरह में यूज कर लेते हैं हम। तो राउंड कॉर्नर बनाने के लिए ओवरऑल हमें यह याद रखना है कि राउंड कॉर्नर बनाने के लिए हम कौन सी ब्रिक यूज करते हैं, बुलनोज ब्रिक का हम यूज करते हैं। अगला हमारा है सिक्वेंट ब्रिक। तो सिक्वेंट ब्रिक में क्या करना है, ए ब्रिक कट और मोल्डेड टू एन ऑब्लिक एंगल, यानी कि एक ऐसी ईंट जिसके एक सिरे पर हम क्या कर दें, कुछ ऑब्लिक एंगल, कुछ तिरछे एंगल काट दिए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिक्वेंट ब्रिक कहते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने क्या किया, देखो इस ब्रिक को इस तरीके से काट दिया और यहां पर हमारा इस तरीके का ये हिस्सा मैंने यहां से काट दिया, देखें जरा ये हिस्सा मैंने यहां से कट कर दिया। दूसरा हम क्या करें, इधर भी हम क्या करें, कुछ एंगल पर काट देंगे, लेकिन काटने वाले एंगल कितने होने चाहिए, न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम पर हम इसको काट देंगे हमेशा इस तरीके से। अब देखें आप जरा कैसी ब्रिक हमारी फॉर्म हो गई, इस तरीके से, यानी ऐसी ईंट जिसके दोनों दोनों कॉर्नर्स को इस साइड में भी, इस साइड में भी हम क्या करें, एक ऑब्लिक एंगल द्वारा काट दें, यानी तिरछे एंगल द्वारा काट दें, तो बनने वाला हमारा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सेकेंड ब्रिक कहलाता है। कहाँ यूज़ करते हैं इसको हम, कंस्ट्रक्शन एट ऑब्लिक कॉर्नर, जहाँ पर भी हमें ऑब्लिक कॉर्नर बनाने की जरूरत पड़ती है। अब ऑब्लिक कॉर्नर कैसे बनते हैं, देखें कोई दीवार है, सपोज करो वी शेप की वॉल बनानी है हमें, वी शेप की अगर हमें वॉल बनानी है इस तरीके से, हम यहाँ पर किनारे पर हम कैसे यूज़ कर पाएंगे, तो हम किनारे पर कैसे बनाएंगे, ये वी शेप आप देख रहे हैं, ये वाली वी शेप, तो कॉर्नर पर हम क्या करेंगे, इधर से भी सिक्वेंट ब्रिक, इधर से भी हमारी क्विंट ब्रिक हमारी यूज़ की जाएगी। दूसरा मेजनरी एट एंगुलर कॉर्नर, जहाँ पर हम मेजनरी एंगुलर कॉर्नर, किसी तिरछे एंगल पर हमें मेजनरी करनी है, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड ब्रिक यूज करते हैं। अगला हमारा है मिटर्ड क्लोजर, किसे कहते हैं, तो देखिए एक ऐसी ईंट, मिटर्ड क्लोजर, बेवल्ड क्लोजर, किंग क्लोजर, ये लगभग एक जैसे ही हैं सारे, तो इसमें क्या करते हैं हम 45 से 60 डिग्री पर, यानी वन एंड कट एट द विड्थ ऑफ एंगल 45 टू 60 डिग्री, यानी एक एंड पर हम क्या करेंगे इसको 45 से 60 डिग्री पर इसको कट कर देंगे, जहां पर भी जाए तो ये हमारा 45 टू 60 डिग्री का एंगल बना देंगे, और ये वाला जो पूरा पोर्शन हमारा कटने के बाद बचा, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, ये इस टाइप की जो हमारी ईंट होती है वो क्या कहलाती है, मिटर्ड क्लोजर कहलाती है। तो आज की हमारी काफ़ी क्लास इंपॉर्टेंट थी, इसे जस्ट अगली क्लास में हम बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जो ब्रिक फॉर्म्स हैं, जैसे कि क्यून क्लोजर रह गया है, डबल बुलनोज रह गई है, चलो डबल बुलनोज को इसी में बता देते हैं। अगर हमने एक बार बुलनोज बनाया है तो इसे कहेंगे सिंगल बुलनोज या फिर सिंपल बुलनोज। अगर मैं क्या करूँ, एक राउंड फॉर्म इसकी बॉटम में भी इस तरीके से अगर बना दूंगा तो उसे क्या कहते हैं, डबल बुलनोज ब्रिक कह देते हैं। करूँ यूज हमारे बिल्कुल सेम यही है कि जहाँ हमें राउंड कॉर्नर की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम डबल लॉज ब्रेक यूज करते हैं। अब रह गया हमारा कौन सा पोर्शन, जैसे कि क्वीन क्लोजर है, बहुत सारी हमारी ब्रिक्स हैं, अभी हॉलो ब्रिक्स हैं, क्वीन क्लोजर, बहुत डिफरेंट टाइप की हमारी फॉर्म्स हैं, वो भी अगले लेक्चर में जैसे इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये जो है पॉइंट्स इतने ही मैंने यहाँ पर बताएं। कंपटीशन में इनको डेफिनेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछे आते हैं, आपको तैयार होने चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाके ये बताएं कि वीडियो कैसी लगी, सेशन हमारा किस टाइप का लगता है आपको, क्या सुधार की आवश्यकता है, ये भी कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।